बेड़ो प्रखंड के नेहालू पंचायत के रोगो गांव में रविवार को कपड़ा बैंक के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े व कंबल सहित अन्य कपड़ों का वितरण किया गया। कपड़ा बैंक के सदस्यों द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवार के बच्चे, बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं के बीच 250 कपड़ों का वितरण किया गया, जिसमें विनय वस्त्रालय बेड़ो ने विशेष सहयोग किया। कपड़ा बैंक के अध्यक्ष कैलाश कुमार ने कहा कि गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। हमें अपने पुराने कपड़ों से ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, इससे हमारे कपड़ों का सदुपयोग होगा और जरूरतमंदों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रत्येक रविवार को कपड़ा बैंक के द्वारा गांव को चिन्हित कर कपड़ा का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने मोहल्ले व आसपास बेसहारा जरूरतमंदों को इस कपड़ा बैंक के बारे में बताएं, साथ ही इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक छोटी सी कोशिश कर बड़ी राहत दे सके। वहीं बैंक के अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बेड़ो, लापुंग, इटकी, मांडर व चान्हो के लोगों से अनुरोध किया है कि आपके पास अनुपयोगी कपड़ा हो तो उसे हमें दें, जिससे हम उसे जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें। कपड़ा बैंक में कपड़ों की कमी हो गई है, जो कपड़ा देना चाहते हैं तो हमें जरूर संपर्क करें और लोगों के सहयोग में हमारा साथ दें। आप अपना कपड़ा बेड़ो के डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में जमा कर सकते हैं, वहीं हमारे सदस्यों से भी संपर्क कर सकते हैं। मौके पर वार्ड सदस्य बाबलू लोहरा, रवि केसरी व मुकेश कुमार आदि मौजूद थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोई।